हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजे स्टार एजुकेशन। स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एमजे स्टार एजुकेशन पर। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल पर सही पढ़ा है, इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा एनटीपीसी मॉक टेस्ट के पॉलिटी के पार्ट 4। इससे पहले मैंने पॉलिटी के पार्ट 3 वीडियो बना चुका हूँ। अगर उसके आपको नहीं देखा है तो आप जाकर हमारे प्ले लिस्ट में सर्च करके आप वहाँ से पॉलिटी के और हिस्ट्री के हमने 7 पार्ट्स बनाए हैं और पॉलिटी के पार्ट 3 बन चुके हैं। अगर आप पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च करके वहाँ पे हमारे पुराने बनाए गए वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एनटीपीसी के एग्ज़ाम अब ज़्यादा दूर नहीं रही, इसलिए आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को एक टेस्ट के रूप में लीजिए और अपनी कॉपी और पेन लेकर आप बैठ जाइए। वीडियो के आंसर मेरे बताने से पहले आप अपने आंसर नोट कर लीजिए कॉपी में, और लास्ट में आपके कितने मार्क्स आए, कितने आपके क्वेश्चन राइट हुए, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है दोस्तों, और जो लोग नए हमारे इस वीडियो से जो लोग नए हैं जो पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन बटन को भी हिट कर लें, ताकि हम आगे कोई भी ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपीएससी और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम का कोई भी अपडेट हमारे पास आता है, हम उसका वीडियो बनाकर उसका अपडेट हम आपको रेगुलर अपडेट करते रहेंगे। उस वीडियो बनाकर हम उसको अपलोड कर देंगे और जिसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनटीपीसी मॉक टेस्ट पार्ट 4 पॉलिटी के। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनटीपीसी मॉक टेस्ट पार्ट 4। ठीक है, तो चलते हैं, आज का पहला प्रश्न है। और दोस्तों पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये जितने भी जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, ये एनटीपीसी की किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को हल्के में ना लें और इन मैं जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप उस टॉपिक को एकदम मजबूत कर ले। जैसे कि मैंने आपसे पूछा है कि संविधान संशोधन ये किस कंट्री से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, तो आपको उससे जुड़ी सारी वस्तु याद होनी चाहिए। जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, किस देश से क्या क्या लिया गया, संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया। ठीक है, सबको सारे याद कर लेने, मतलब एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। और मैंने आपको हमेशा बताया है, कभी भी क्वेश्चन को याद करना हो तो आप क्वेश्चन को लिंक बनाकर याद करें। जैसे एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन बनाया, दूसरे से तीसरा क्वेश्चन बनाया, तीसरे से चौथा क्वेश्चन बनाया, चौथे से पांचवा क्वेश्चन बनाया, पांचवें से छठा, छठे सातवां। अगर आप इस तरह से लिंक बनाकर क्वेश्चन को याद करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए क्वेश्चन याद हो जाएगा और धीरे धीरे देखते ही देखते आपके जीके की पूरी बुक तैयार हो जाएगी और आपको किसी भी वस्तु को पढ़ना या रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आज का, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन डी, न्यायिक समीक्षा संविधान का ये भाग है जो संशोधित नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो मतलब कि इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये असत्य है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? तो भारत की संसद में होते हैं ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, भारत की संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं, मतलब कि इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष होता है ऑप्शन डी,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री होते हैं राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? तो ईवीएम में अधिक प्रत्याशी हो सकते हैं ऑप्शन डी 64। ईवीएम में अधिकतम प्रत्याशी हो सकते हैं मैक्सिमम, और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, आम तौर पर चुनाव आयोग के नियमानुसार पोलिंग बूथ मतदाता के घर से अधिकतम कितना दूर हो सकता है? तो आम तौर पर चुनाव आयोग के नियमानुसार पोलिंग बूथ मतदाता के घर से अधिकतम 2 किलोमीटर दूर रह सकता है, दूर हो सकता है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी 2 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत पड़ सकते हैं? मतलब कि एक ईवीएम में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, आप कितने वोट डाल सकते हैं मैक्सिमम? तो एक ईवीएम में आप डाल सकते हैं ऑप्शन ए 3840 वोट पढ़ सकते हैं। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए 3840। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत में पहली बार कब उपयोग प्रयोग में लाई गई? तो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत में पहली बार 1989 और 90 में लाई गई, पहली बार उपयोग की गई थी। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1989-90। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत के वित्त मंत्रालय के परिसर को डैश भी कहा जाता है। तो भारत के वित्त मंत्रालय के परिसर को कहा जाता है ऑप्शन सी उत्तरी ब्लॉक। भारत के वित्त मंत्रालय के परिसर को उत्तरी ब्लॉक भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी उत्तरी ब्लॉक। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, और हमारी ये वीडियो आपके काम आ रही है, हमारी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है, हमारी मेहनत आपके काम आ रही है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें, क्योंकि आपके लाइक से हमें पता चलता है हमारी मेहनत कितनी आपके लिए काम आ रही है। क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, लाइक्स देखकर उसका मोटिवेशन बढ़ता है, ज़्यादा लाइक्स होने पर उसका मन बढ़ा रहता है, उसका एंथुजियाज़म बना रहता है, और उसे आगे और भी अच्छा करने का मोटिवेशन मिलता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपको ज़्यादा मेरा वीडियो पसंद है, ठीक है? तो मैं और भी आपके लिए क्वेश्चन लेके आता रहूँगा इसी तरह से। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि हमने ऐसा एमजे स्टार एजुकेशन एनटीपीसी की मॉक टेस्ट की सीरीज़ लेकर आया है, ठीक है? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और जाने से पहले आप वीडियो को लाइक्स करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन बटन को हिट कर लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।